हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और ये वीडियो है मेरे बर्थडे वाले दिन का। बर्थडे मेरा था मंडे को, तो मंडे मॉर्निंग है और मैं बच्चों का अभी टिफ़िन बना रही हूँ। तो मैं ये टिफ़िन आइडिया शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं दे लुक फॉरवर्ड टू द आइडियाज़। तो मैं यहाँ पे ना बच्चे जो सुबह खा के जाएंगे वो भी और उनके टिफिन में जो देना है वो सारी ही चीजें साथ में बनाती हूँ। और मैंने यहाँ पे थोड़ा दूध चढ़ाया हुआ है उनके पीने के लिए। दो टोस्ट भी बना रही हूँ मैं, तवा टोस्ट एंड देन दो सनी साइड अप, जैसे ही थे ये, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर लिया है। और अभी तक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर फ्राई किया था, वो एक डिफरेंट रेसिपी के लिए है। वो रेसिपी भी बहुत कमाल की है, आप बच्चों को शाम में भी दे सकते हो, टिफिन में भी दे सकते हो। और बच्चा पार्टी की, मतलब बच्चों की अगर कोई पार्टी आप रख रहे हो ना, तो उसमें भी आप उसे मेन्यू में रख सकते हैं। दीज आर स्लाइडर्स, रेसिपी मस्त है, मैं आपको आगे दूंगी। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे है ना सब्ज़ी चढ़ा दी है, तो मैंने पैन के अंदर थोड़ा टमाटर ऐड किया था और टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए इसके लिए नमक ऐड किया, रूटीन के मसाले ऐड किए। और बस ये टमाटर मुझे ना अच्छी तरह पका लेने हैं। मैं इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब नहीं डाल रही हूँ। इसके दो वजह है, पहला तो ये कि सुबह सुबह मैं इतना ज़्यादा चॉपिंग वॉपिंग मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, जितना ईजिली और टेस्टी वे में सब्ज़ी बन जाए बस मेरा वही इंटेंशन रहता है कि कम से कम समय में ये बन जाए। दूसरा ये कि बच्चे खाते भी तो नहीं हैं वो सब, तो क्यों वो सब करके टाइम वेस्ट करना। तो मैंने प्याज नहीं ऐड किए, सिर्फ टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लिए थे और इसमें मैंने ऐड कर दिए थे स्प्रिंग आनियंस जो मैंने रात को ही साफ करके काट करके रखे थे। यहाँ इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। थोड़ा सा ना, बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है मैंने एग्स के ऊपर, तो थोड़े अच्छे लगते हैं उन लोगों को। यहाँ पे सब्ज़ी डन हो गई क्योंकि स्प्रिंग अनियन को बहुत वक्त नहीं लगता पकने के लिए। और जैसे ही ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर दिया है। तो ये पनीर और स्प्रिंग ग्रीन्स की सब्ज़ी है जो बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं गए, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आप ये बना के देखना, ये अच्छी लगती है। बच्चे लोगों ने खा लिया था, दे लव्ड इट। वैसे तो स्प्रिंग अनियन खाली ऑन इट्स ओन की भी सब्ज़ी बनती है, आलू के साथ मिला के तो और भी बढ़िया सब्ज़ी बनती है, बट पनीर के साथ भी ये अच्छा लगता है। पनीर ऐड करके ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, खाली 2 मिनट पका लेंगे, 2-3 मिनट, सो दैट थोड़ी सी सब्ज़ी ड्राई हो जाए और पनीर भी थोड़ा सा फ्लेवर अब्सॉर्ब कर ले। मीनवाइल मैंने आटा लगा दिया था, मेरे पास ये छोटे छोटे बन थे तो मैं इसी से स्लाइडर बनाने वाली हूँ। ये मैंने थोड़े थोड़े से बटर में तवा पर ही सेक लिए हैं दोनों साइड से। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जैसे मैंने ये चार यहाँ पे बर्गर बन ले लिए है ना, इस तरह से आप एक के लिए दो बन ले लें, या फिर आप एक बन को सेक करके उसे बीच में से काट दें, तो वो आपकी चॉइस है आपको कैसा स्लाइडर चाहिए। लगे हाथ मैंने पराठे भी सेक दिए हैं, तवा चढ़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ बर्गर बन जो है वो अंदर की जो साइड होती है, जो पीछे की साइड रहती है, मैंने काटे नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे ही थे। तो मैं जो बेस वाली साइड है वहाँ पर लगा रही हूँ मेयो, और ये वाला तंदूरी मेयो है, आपके बच्चे जो खा लेते हो वो वाला मेयो आप लगाएं। इसके बाद मैंने रखा है इसके ऊपर पनीर का स्लाइस, थोड़ा सा मैं चीज़ का स्लाइस भी रख रही हूँ। अब घर में खा रहे हैं तो सैलड लगाइएगा ढेर सारा, जो भी बच्चे खा लेते हैं अच्छा लगेगा, बट स्कूल में ना सैलड की वजह से जो स्लाइडर है वो सॉगी हो जाएगा और सैलड भी थोड़ा सा ख़राब होने लगता है नमक वगैरह के कॉन्टैक्ट में आके। तो इसलिए मैंने जो सैलड है वो नहीं लगाया है, सीधे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके ये स्लाइडर्स हो गए हैं रेडी। ये रेसिपी ट्राई करना, अच्छी लगेगी आपको एंड झटपट से बन जाती है। मैंने इसको थोड़ा सिक्योर किया है फूड पिक से, बहुत से दोस्त पूछते हैं फूड पिक का लिंक, तो यार मैंने ना अमेज़ॉन से लिया था और मैंने तो बस ख़रीदा था, ये चूज़ बच्चों ने करा था, उन्हें बिल्लियाँ अच्छी लगती हैं, तो ये 6 का सेट था शायद, सभी ये ब्लैक बिल्लियाँ ही हैं। तो आप अमेज़ॉन पे फूड पिक लिखिएगा, आपको बहुत सारे कलरफुल ऑप्शंस भी आ जाएंगे। मैंने आज सब्ज़ी में दिया है पनीर स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी, पराठा, और साथ में मैंगोज़ का सीज़न आ गया है तो मैंगो पड़ा हुआ था मेरे पास, ये भी मैंने रख दिया उन लोगों के लिए। यहाँ
यहाँ पे हस्बैंड बराबर मेरी हेल्प कराते हैं सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह का टाइम में ना टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक एक मिनट से कभी कभी कांड हो जाते हैं। 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि बस छूट गई है, बस 1 मिनट से हम लोग नीचे पहुँचे, बस आँखों के सामने से चली गई। तो सुबह में बहुत एहतियात बरतते हैं मैं और हस्बैंड कि 2-5 मिनट पहले ही हमारा काम हो जाए। वो इन लोगों के पीछे इनका नहाना, ब्रेकफास्ट पूरा मॉनिटर करते हैं, जब तक मैं किचन का पूरा जो मेरा कुरुक्षेत्र है वो संभालती हूँ। मैं अपने मॉर्निंग रूटीन से डन हो चुकी हूँ, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। मैं है ना तैयार हो रही थी अभी, बस मैंने बाल बनाए थे और मैं थोड़ा सा लाइट मेकअप लगाने वाली थी। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग माय दिस क्विक सा मेकअप रूटीन विद यू ऑल। वैसे तो मैं ज़्यादा करके कुछ करती नहीं हूँ, ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। किसी दिन अच्छा फील कर रही होती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, किसी किसी दिन तो मैं तैयार भी नहीं होती। बट मुझे पर्सनली काजल, थोड़ा लिपस्टिक लगाना पसंद है। मैं अपनी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज तो ज़रूर ही करती हूँ, तो आज मैं थोड़ा लाइट मेकअप करूँगी। आई विल स्टार्ट बाय अप्लाइंग फाउंडेशन। और हाँ, फाउंडेशन से याद आया कि हमें से बहुत सारे लोग यूजुअली फाउंडेशन लगाने से बचते हैं, बिकॉज रेगुलर फाउंडेशन से ना फेस थोड़ा सा केकी, पैची एंड ड्राई लगता है। और है ना, फेस को देखकर ही ऐसा लगता है कि फेस पर कुछ तो लगाया है, इट लुक्स सो मेड अप। बट आई यूज अ रियली गुड फाउंडेशन, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज में आपको दिखाया भी था। नाउ दे हैव लॉन्च्ड मोर शेड्स, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। और मैंने अपना फेस पहले से ही मॉइस्चराइज कर लिया है, तो सबसे पहले आई विल बी अप्लाइंग अ प्राइमर। एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग दी डर्माकोस 2% नायसनमाइड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ये एक अमेजिंग प्राइमर है, आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार इसे जरूर से ट्राई करना। एकदम से स्मूथ बना देता है स्किन को और स्किन रेडी हो जाती है फॉर मेकअप। इस प्राइमर में है नायसनमाइड विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्ने स्कार्स, और वाइटामिन ई दैट हेल्प्स टू नरिश ड्राई एंड फ्लेकी स्किन, एंड सीबो क्लियर MP दैट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्सेस ऑयल। और प्राइमर लगाने के बाद आई विल बी अप्लाइंग फाउंडेशन। आई एम इन शेड नंबर 2, मामर्स ग्लो सीरम फाउंडेशन दैट कम्स विद अ यूनिक लाइटवेट सीरम फॉर्मुलेशन। ये स्किन को 2x इंस्टेंट ग्लो एंड परफेक्ट कवरेज देता है दैट लास्ट अप टू 12 आवर्स। इसमें है गुडनेस ऑफ विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर ब्राइटनिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। एंड मामर्थ हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 2 new shades स्पेशली फॉर येलो स्किन टोन्स। तो पहले मामर्थ फाउंडेशन आते थे 7 शेड में, नाउ दे कम इन 9 unique shades टू सूट ऑल इंडियन स्किन टोन्स। और आप अब आपका परफेक्ट मैच इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, एंड दे आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड टू। दिस फाउंडेशन प्रोवाइड परफेक्ट ब्लेंडेबल कवरेज विद ग्लोइंग स्किन। एंड फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आई विल बी अप्लाइंग कंसीलर फ्रॉम मामा अर्थ। एंड समटाइम्स मैं इसको लूज पाउडर से सेट कर लेती हूँ, कभी कभी मैं कॉम्पैक्ट से भी सेट कर लेती हूँ। टुडे आई एम यूजिंग लूज पाउडर एंड सी माई बेस इज लुकिंग सो गुड, स्किन हैज गॉट एन इंस्टेंट ग्लो एंड लुक्स ब्राइट एंड फ्लॉलेस। और इन फाउंडेशन को आप एवरी डे यूज कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, बिकॉज दीज आर मेड सेफ सर्टिफाइड, विच इज अ प्रूफ ऑफ नो टॉक्सिन्स नो केमिकल्स। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर यू आर यूजिंग माई डिस्काउंट कोड विच इज नीलम 2023। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट जब आप मामर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप से ऑर्डर प्लेस करते हो। दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड नाइका, एंड ऑल्सो नाउ इन स्टोर्स नियर यू। जब कभी भी आप मामर्थ से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो ना सिर्फ आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद रहे हो बट ऑल्सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ वेरी गुड कॉज। दे हैव टेकन दिस प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत every time you buy from them they link your order on the website to a tree that they will plant, and by 2025 they are aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. You can be a part of this initiative. Sabhi buying link, मेरा डिस्काउंट कोड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कीजिएगा। और ये देखें, पिछले दिन यानी कि 9th को मम्मी पापा शाम में आए थे, संडे था ना, तो हम लोगों ने वो व्लॉग आपने पिछला वाला देखा हो तो आपको सब पता है हम लोगों ने क्या किया। तो बहुत देर मस्ती करी, बातें बातें करी, वो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए थे। तो ये फ्लावर्स अभी हो गया बुके का शौक, मैं इनको पानी में डाल दूँगी वरना ये सारे ऐसे ही सूख जाएंगे।
मैं इसको खोल रही हूँ, इतना लेयर लगा लगा के एकदम टाइट टाइट सा बांध रखा था इन्होंने, तो मैंने इसको खोल लिया है। और जितने भी जो फ्लावर्स है ना, उसकी स्टिक को ना एकदम स्लांट यानी कि डायगनल काटना है। आप नाइफ से, सीजर से बेटर होगा, एक शार्प सीजर से काट लें, स्लांटेड काटिएगा। और उसके बाद पानी भरे हुए वेस में, किसी ग्लास में आप इनको लगा दीजिए, तो ये और 2-4 दिन अच्छे से चल जाएंगे। ऐसे बुके में रखे रखे तो एक दिन में ही इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो जितने भी फ्लावर्स थे उन सबको मैं इसी तरह काट करके इस वेस के अंदर सजा रही हूँ। बाद में इसमें पानी भर देंगे। थोड़ा सा मैंने ये आर्टिफिशियली, जो आर्टिफिशियल तो नहीं है, नेचुरल फ्लावर्स ही होते हैं, पता नहीं का क्या नाम है, ये भी मैंने थोड़े लगा दिए हैं, बट वो जो ग्रास सी थी फिलर जैसा, वो मैंने नहीं लगाया है इस वेस में। और पानी भर दिया है ऊपर तक। और देखें जो पीले पीले वाले फूल थे ना, उसके तो सारे ही पत्ते, इनफैक्ट उसमें 2-3 कलियां थी, वो भी झड़ ही गए एक रात में। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बटर ले लिया है, जो रेगुलर बटर रहता है अमूल सॉल्टेड वाला, वो मैंने लिया है। और जितना भी बटर था उससे हाफ मैंने वेजिटेबल ऑयल ले लिया, मतलब रिफाइंड ऑयल जो भी रहता है, जिसका फ्लेवर ना हो ज़्यादा, टेस्ट ना हो ज़्यादा। साथ ही साथ ये देखिए हाफ कप है ये, तो इसके मेजरमेंट से 3 बार चीनी यानी कि 1.5 कप चीनी मैंने ले ली है। 2 सॉस पैन चढ़ा दिए हैं, एक में मैं ये बटर प्लस ऑयल का जो मिक्स है इसको पिघला रही हूँ, और एक में मैं बना रही हूँ चाशनी। चाशनी क्योंकि एक स्ट्रिंग की चाहिए, तो बस इतना पानी डालें चीनी में कि वो थोड़ी डूब जाए। मैं बनाने लगी हूँ बकलावा। तो बकलावा में ना नट्स की फिलिंग जाती है, तो इसमें आप वॉलनट्स, पिस्ता, काजू और बादाम, ये चारों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, कोई एक भी ले सकते हो, जो अवेलेबल हो, जो पसंद आता हो वो आप देख लीजिए। मेरे पास पिस्ते थे पर ज़रा कम थे, तो इसलिए वो मैंने गार्निश के लिए रख दिए हैं। फिलिंग मैंने ये काजू और बादाम को क्रश कर लिया है, इसी से बनाऊंगी मैं। यहाँ पे चाशनी पक रही है, और क्योंकि ये चाशनी बन रही है देसी खांड से, बटर पिघल चुका है, वो गैस मैंने बंद कर दिया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर लग रही है चाशनी, तो मुझे ये ना क्लियर करनी पड़ेगी। और चाशनी क्लियर करने के लिए एक बार सारी चीनी पिघल जाती है ना पानी में, तो उसके बाद थोड़ा सा दूध डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हो, इसको डाइल्यूट करके भी ऐड कर सकते हो, एंड इसको बॉईल होने दें। धीरे धीरे सारी जो गंदगी है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ स्कम चाशनी के ऊपर फ्लोट करने लगेगी। इसे रिमूव कर दें, चाशनी क्लियर हो जाएगी। और अब इसे रिड्यूस करेंगे जब तक ये एक तार की कंसिस्टेंसी अचीव करे। फ्लेवरिंग के लिए मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला है, साथ में आप वो जो होती है फुल चक्री, वो भी ऐड कर सकते हो। मैंने ये जो सरफेस है ना, इसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, बिकॉज मेरे पास इतने बड़े फाइलो पेस्ट्री शीट्स हैं, और इसको यू नो हैंडल करने के लिए इतना बड़ा चॉपिंग बोर्ड या चकला मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर ही प्रोसेस करूँगी, तो दैट वेज इट विल बी ईजी। और इसको एक्चुअली थॉ कर लेना बहुत ज़रूरी है। वेन एवर यू आर वर्किंग विथ फाइलो शीट्स, पफ पेस्ट्री शीट्स, समोसा पट्टी, जो भी इस तरह के फ्रोजन आइटम होते हैं, उसको पहले अच्छी तरह से थॉ कर लें और उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। ये मैं बाय मिस्टेक ले आई थी काफ़ी पहले, और आज इसका नंबर लगा है। आज मैं इससे बनाने लगी हूँ बकलावा, बिकॉज इट्स माय बर्थडे। और ये जो शुगर सिरप है, ये 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी का चाहिए, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ। जैसे ये 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी का आएगा, इसके बाद मैं इसे बंद कर दूंगी, इसमें कुछ नहीं ऐड करने वाली हूँ। लुक्स लाइक ये एक तार का हो गया है। लास्ट वाली ड्रॉप बहुत रेजिस्ट होकर गिर रही है। बस इसके लिए थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी चाहिए, लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं कि 2 तार का हो जाए, क्योंकि जितना गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा आपको वो स्वीट लगेगा। तो आई थिंक 1 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी, उसके बाद आई टर्न ऑफ गैस। ये जो चाशनी है ये 1 तार की हो गई है। लास्ट वाली ड्रॉप पे नज़र रखिए आप, इस तरह की आपकी चाशनी हो जाए तो आप गैस बंद कर सकते हो। ये देखिए रेजिस्टेंस के साथ जो ड्रॉप है वो गिर रही है। आप फिंगर एंड थम जो टेस्ट होता है वो भी कर सकते हो। 1 तार की चाशनी हो गई रेडी। सी ये वाला ड्रॉप कितना स्लो गिर रहा है, तार गिर रहा है इसमें से। मैं गैस कर रही हूँ बंद। अब इसके अंदर 2-4 ऑप्शन है मिलाने के लिए। 1, इसमें आधे नींबू का रस तो आप ज़रूर से मिलाइए, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो बकलावा का टेस्ट रहता है ना, उसमें हल्का हल्का थोड़ा सा टार्ट जैसा स्लाइट, एकदम स्लाइट रहता है, मतलब नोट रहता है,
तो उसके लिए लेमन डालना ज़रूरी है। दूसरा, ये हमने चाशनी काफ़ी गाढ़ी बना ली है ना, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगी रखे रखे, तो नींबू डालने से वो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। ऑल्सो इसमें फिर आप थोड़ा गुलाब जल भी डाल सकते हो। एज़ यू ऑल नो, ये मिडल ईस्टर्न डिज़र्ट है, तो वहाँ पर थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा उस तरह के चीज़ें डाली जाती हैं, केवड़ा वगैरह, तो आप चाहें तो उस तरह की चीज़ें डाल सकते हो। मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, जो मेरे फ्रिज में है मैं उसी से बना रही हूँ। और ये फाइलो शीट्स हैं, तो आप जो भी शीट इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसका और कौन से बर्तन में आप बेकिंग करेंगे उसको पहले से सेट कर लें। मैं अपना ये वाला जो ट्रे है इसको पहली बार इस्तेमाल करने वाली। इट्स बिन 10 ईयर्स की मेरे पास ये बेकर सीक्रेट का जो सेट है वो रखा हुआ है। इसके सारे बाकी और जो है 6 पीस का सेट था ये, बाकी सब मैं इस्तेमाल करती हूँ, बट इसका कभी इस्तेमाल करने का नौबत ही नहीं आया। एक आध बार मैंने ट्राई ज़रूर किया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, 10 ईयर इज़ अ लॉन्ग पीरियड, बट आज मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। तो एज आई वाज टेलिंग यू, आप फाइलो शीट्स ले सकते हो, ये घर में भी बनाए जा सकते हैं। बकलावा फाइलो शीट से ही बनता है बेसिकली, बट आप इसे, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी, समोसा पट्टी वाली जो रहती हैं उससे भी बना सकते हो, ये घर में भी बनाए जा सकते हैं। आपको घर में फाइलो शीट्स कैसे बनाएं, एकदम सेम तो नहीं बनेगी, बट वी कुड ट्राई टू रेप्लीकेट, तो वो रेसिपी अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल मेक बकलावा, तो आई विल ट्राई की उस तरह से बनाऊं, यानी कि शीट्स भी घर में ही बनाकर, सो दैट आपको हेल्प हो जाए। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से खोल लेंगे। और मेरे फाइलो शीट्स की हालत बहुत बुरी है, इतनी ज़्यादा टूटी हुई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी, ये इतना टूटा हुआ नहीं आता है, पता नहीं क्यों, शायद ये थोड़ा पुराना था कि वट एवर इज़ द इशू विद दिस। ये ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा मेरी उम्मीद से 10 गुना ज़्यादा टूटी हुई थी। एज आई वॉज टेलिंग यू, इसको आपका जिस भी आप शीट में से बेक करने वाले हो उसके मेजरमेंट से काट लें। तो मैंने पैन लगा के देखा था तो वो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, तो फिर मैंने उसको कट कर लिया है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो बकलावा रहता है ना वो पार्चमेंट पेपर लगाकर नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली ट्रे में बेक किया जाता है। तो इसलिए जो आपका ट्रे है ना उसे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीस ज़रूर से कर लीजिए, और इसके बाद फिर बकलावा शीट्स जो हैं वो आप इस तरह एक एक करके प्लेस करें। वैसे तो पूरी की पूरी एक रेक्टेंगल शीट होती है, एक बार में ही आपकी प्लेस हो जाएगी। मेरी वाली ज़रा टूटी फूटी सी थी, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग गया इनको लेयर करने के बाद। और हर 2-3 शीट बिछा देने के बाद आप एक बार थोड़ा सा ये जो ऑयल और बटर का जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ना, ये थोड़ा सा स्मेयर कर सकते हैं। वैसे तो खाली बटर भी आप लेंगे तो भी चलेगा, बट ऑयल लगाने से थोड़ा और ज़्यादा क्रिस्पी फ्लेकी ये बनता है। बट ऑयल ऑप्शनल है, आप सिर्फ बटर पिघला के उससे भी जो इसको ग्रीजिंग करना है ना वो कर सकते हो। और ऐसे ही प्रोसेस को दोहराते जाइए तब तक जब तक आप बकलावा शीट्स का हाफ यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, आप चाहें तो 3 लेयर का बकलावा बना लें, चाहे तो 2 लेयर का बकलावा बना लें। मैं 2 का बना रही हूँ, इसलिए मैंने आधे शीट्स को लाइन कर दिया है, और उसके बाद जितने भी नट्स मैंने चॉप करे थे ना, ये सारे एक ही लेयर में मैं यहाँ स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि मैं सिंगल नट्स लेयर वाला बकलावा बना रही हूँ। आप डबल लेयर में नट्स लगाना चाहते हैं तो बकलावा के जो शीट है उसे 3 में डिवाइड करें, और 1 लेयर लगाने के बाद फिर आपके जो नट्स हैं आपने चॉप करके रखे उसे 2 में डिवाइड करें, तो उसका एक पोर्शन फिर स्मीयर कर दीजिए, फिर बकलावा शीट लगाएं, फिर नट्स लगाएं एंड देन शीट। सर इस तरह से आपकी टोटल 5 लेयर यानी 2 लेयर नट्स वाला बकलावा रेडी होगा। बट मैंने टोटल 3 लेयर, क्योंकि मेरी शीट्स भी उतनी सपोर्टिव नहीं है ना, मैं बहुत देर तक इसके साथ सर दर्द नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने सिंपल वाला कर दिया है। इससे स्वाद में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आता, हाँ अपीयरेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, जितने ज़्यादा लेयर होंगे, जितना फिनिश होगा, जितना फाइन होगा, उतना ही बकलावा देखने में टेम्प्टिंग लगता है। टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि यही बटर, यही शीट्स और यही नट्स यूज़ हुए हैं। और एक बार सारे शीट्स आपने लगा लिए हैं, मैंने जो नट्स के ऊपर की जो लेयर थी वो भी पूरी कर ली है, तो इसके बाद आप इसको काट लीजिए। तो मैं इसको सिंपल स्क्वायर्स में काट रही हूँ, आप जैसे बर्फ़ी होते हैं ना काजू कतली, उस तरह से इसको रोम्बस डिज़ाइन रहता है ना, उस तरह से भी आप इसको काट सकते हैं। और इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप वो ये कि ये जो कॉर्नर्स है ना, इनमें थोड़ा सा बटर आप पोर कीजिएगा। हम लोगों ने पूरी प्रोसेस के दौरान शीट्स को ग्रीस करा है, बट
कॉर्नर्स में ना रह ही जाता है, तो जो बच गया होगा बटर 2-3 चम्मच वो पूरा कॉर्नर्स में अच्छी तरह से आप थोड़ा थोड़ा चारों तरफ पोर कर दीजिए। रिमेनिंग बटर ऊपर स्मेयर कर सकते हैं। अगेन, कितना आपको बटरी चाहिए, कितना आपको मीठा चाहिए, कितने आपको नट्स चाहिए, ये सभी चीज़ें आपके टेस्ट के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको बेक करेंगे। प्री हीटेड ओवन है ये 180°C पे, 10 मिनट से ये प्री हीट हो रहा है। दोनों रॉड भी ऑन है, फैन भी ऑन है। अभी इसको बेक करेंगे 180°C पे 30-35 to 45 minutes आपको लग सकते हैं। दोनों रॉड ऑन रखिएगा और फैन भी ऑन रखिएगा। इसके बाद मैंने थोड़े से पिस्ता जो है ये भी पाउडर कर लेना है, क्योंकि मैं इसी से गार्निश करने वाली हूँ मेरा बकलावा। बकलावा बेक हो चुका है, बट इट्स वेरी हॉट। इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर, मतलब ठंडा नहीं होने देना है, बट ये थोड़ा वार्म रहे। अभी तो ये एकदम ही सिजलिंग हॉट है, आप सुने तो इसमें से आवाज़ भी आ रही है ना। इतना गर्म ये नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तब तक मेरी जो चाशनी है ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो मैंने गैस वापस से ऑन कर दिया है। इसको भी थोड़ा सा टेम्परेचर, मतलब वार्म करना है, ये भी वार्म चाहिए, बकलावा भी वार्म चाहिए, तभी चाशनी बकलावा के ऊपर ऐड करेंगे। और ये जो है ना, इसका अभी काम हो चुका है तो मैं इसे निकाल दूंगी। और शुगर सिरप मैं पोर कर दूंगी बकलावा के ऊपर। आपको बकलावा बेसिकली 30 मिनट्स का आप पहले टाइमर लगाइएगा, इसके बाद देखिएगा ऊपर से ऐसा ब्यूटीफुल ब्राउन हो रहा है तो निकाल लें, नहीं हुआ है तो और 5 मिनट बढ़ा दीजिए। तो जब भी आपको ये ऊपर से ऐसा क्यूट ब्यूटीफुल ब्राउन दिखने लगे, उस हद तक आपको इसे पकाना है। तो इस प्रोसेस में 35-45 मिनट्स लग जाएंगे एट 180°C। मुझे 42 मिनट्स लगे थे टू बी प्रिसाइज, और इसके बाद मैंने इसे निकाल लिया है। थोड़े वार्म रहे चाशनी बकलावा, तब दोनों को मिला दीजिए और उसके बाद इसे गार्निश कर लीजिए जैसे आप चाहें। और ये घर का बना हुआ बकलावा, मैं आपको बताऊं, बाहर है ना 3,500-3,000 रुपये किलो आता है बकलावा, पर घर में इतनी महंगी नहीं लगती है ये, इतनी लागत नहीं लगती है। एंड टेस्ट तो सुप्रीम है, एकदम फ्रेशली बेक्ड बकलावा की बात ही अलग है। लास्ट ईयर है ना, शर्मा जी किसी ऑफिस के काम से बाहर गए थे, तो वो वहाँ से मेरे लिए बकलावा लेते आए थे। इतना छोटा पैकेट, उसमें बिल्कुल गिन गिन के पीसेस रखे हुए थे, एंड इट वाज सो एक्सपेंसिव। एंड उसमें से ना थोड़ा सा ऑयल का सा एंड रैंसिड नट्स जैसा फील आ रहा था, तो आई वाज लाइक कि मैं इसे ज़रूर घर में बनाऊँगी। एंड घर में बनाना इस टोटल पैसा वसूल, टोटल मेहनत वसूल। बाहर जितने का मिलता है ना बकलावा, उससे 10वीं कीमत में आप बेहतर बकलावा घर में बना लेंगे। मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना लोगे, ट्राई ज़रूर करना। एकदम सिंपल वाले से शुरू किया है मैंने भी, आप भी ऐसे ही शुरू करें। आगे आगे हम थोड़ा और बढ़िया वाला बना लेंगे, बनता बहुत अच्छा है, ट्राई ज़रूर दीजिएगा। मैं दोपहर से ही लग गई थी किचन में, तो शाम में फिर हस्बैंड आ गए घर और मैं बना रही हूँ हम दोनों के लिए चाय। एंड इसके बाद इट वाज अ पिज़्ज़ा नाइट। पहले तो वो बोल रहे थे बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, एंड आई वाज लाइक कि बहुत वक्त हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी चाह रहे हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी, तो मैं ही बनाती हूँ। एंड मैंने पिज़्ज़ा बनाया था बिल्कुल बेसिक से, एकदम स्क्रैच से। मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी घर में बनाया है, इसके बाद फिर पिज़्ज़ा बेस भी मैं घर में ही बना रही हूँ। टॉपिंग्स भी मैंने कुछ भी बाहर से एक्जॉटिक वाली नहीं लाई, वो भी सब घर की ही हैं। पूरा पिज़्ज़ा मैंने घर में असेंबल किया है, बहुत अच्छा वाला बना था, पर ये अपने आप में एक बहुत लंबी रेसिपी है। इसमें वैसे तो कहने के लिए एक पिज़्ज़ा है, बट इसमें 3 रेसिपीज़ हैं, बेस भी है, सॉस भी है, एंड देन पिज़्ज़ा भी है, एंड देन देर आर लोड्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं इस वीडियो में इसको नहीं रखना चाहती हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट प्लस हो चुका है, तो मैं वो सारी ही चीज़ें ना पिज़्ज़ा के कॉम्पोनेंट वाली एक ही वीडियो में करके अगली वीडियो के तौर पर उसे अपलोड कर दूँगी। तो रात में हम लोग निकले थे बाहर, क्योंकि संडे पूरा बिजी था, हम लोग गए नहीं थे मार्केट, थोड़े फ्रूट्स खत्म हो रहे थे, कल बच्चों को स्कूल जाना है, तो थोड़े फ्रूट वगैरह खरीद के लाए हैं। स्टेडियम है। क्या हो रहा है इधर? क्रिकेट मैच, डे नाइट क्रिकेट।